नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। आज का सेशन सीटेट पेपर टू तथा बिहार शिक्षक बहाली के अंतर्गत NCERT हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है। आज हम NCERT क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9, 10, उसमें चैप्टर नंबर 9 का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इसमें प्रथम बिंदु बनता है कि दक्षिण भारत सोना मसाले खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो दक्षिण भारत सोना मसाले खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। तो प्रश्न यही बनता है कि किस मसाले को काले सोने नाम से उल्लेखित किया जाता है। तो काली मिर्च को रोमन लोगों ने काला सोना नाम से उल्लेखित किया था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और रास्ते के रास्ते से रोम पहुँचाते थे। तो व्यापारी जो थे इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्तों से रोम पहुँचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिससे यह अंदाजा लगता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार था। तो दक्षिण भारत में ऐसे अनेक सिक्के मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार था। अगला बिंदु है कि व्यापार के प्रमाण में हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं। तो व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं। इसमें अगला बिंदु है कि हमारे उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। हमारे उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाके में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाके तथा तटीय इलाके के सरदार और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुएनदार की चर्चा मिलती है। तो संगम कविताओं में मुएनदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। तो प्रश्न यही बनता है कि मुएनदार शब्द का क्या अर्थ है। तो मुएनदार एक तमिल शब्द है जिसका उल्लेख संगम साहित्य में मिला है तथा इसका अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया था। ये थे चोल, चेर तथा पांड। तो यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि संगम कविताओं में मुएनदार की चर्चा मिलती है तथा मुएनदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया था, जैसे चोल, चेर तथा पांड, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। तो ये चोल, चेर और पांड के जो मुखियाए थे इनके अपने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। तो इनमें से एक तटीय हिस्से में था क्योंकि कावेरी की जो मैदान था वो बड़ा उपजाऊ था, तो व्यापार आदि तो होता ही रहता था, इसलिए वे अपना एक केंद्र तटीय हिस्से में बनाए थे तथा दूसरा अंदरूनी हिस्से में बनाए थे। इस तरह छह केंद्रों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे। इनमें से एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पत्तनम था तथा दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरी थी। तो प्रश्न यही बनता है कि चोलों के पत्तन या पुहार कौन सा था। तो वह था पुहार या कावेरी पत्तनम तथा पांड्यों की राजधानी कौन सी थी, तो वह मदुरई थी। ये मुखिया लोग से नियमित करके बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये जो मुखिया लोग थे ये नियमित करके बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लेते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसक से कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े आती रहते या सुंदर कपड़े दिया करते थे। जिसमें इंपॉर्टेंट बिंदु यही है कि ये मुखिया लोग जो होते थे वो नियमित करके बजाय उपहारों की मांग करते थे और कभी कभी ये सैनिक अभियान में भी निकल पड़ते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। तो इसके लगभग 200 साल बाद अर्थात करीब 2100 साल पहले सातवाहन नामक राजवंश का पश्चिम भारत में प्रभाव बढ़ा। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। उनके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में उनकी माता गौतमी बलश्री के द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो प्रश्न यही बनता है कि दक्षिणापथ के स्वामी किस राजवंश को कहा जाता है। तो सातवाहन वंश को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। तो दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। तो पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था तथा श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों में अपनी सेनाएं भेजी थी। अगला बिंदु है कि इस रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। तो रेशम बनाने का आविष्कार की तकनीक का आविष्कार पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। तो चीन ने जो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार किया था लगभग 7000 साल पहले, उसको हजारों साल तक अब दुनिया से छुपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगह पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे तथा अपने साथ रेशमी कपड़े ले जाते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों का उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। तो कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैली। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना का एक फैशन बन गया। तो करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनना एक फैशन के रूप में हो गया था। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तान रास्तों से होकर जाना पड़ता था।
इसकी कीमत इसलिए बहुत महंगी थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों को पार करके जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क की भी मांग करते थे। यही नहीं, रास्ते के आसपास अर्थात जिसका जहां अपना प्रभुत्व होता था वे व्यापारियों से यात्रा शुल्क की भी मांग करते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। तो प्रश्न नहीं बनता है कि कौन सा वंश सिल्क रूट पर नियंत्रण रखता था। तो सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासक में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत में इनका शासन था। पेशावर तथा मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। तो कुषाण की पहली राजधानी पेशावर थी तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। तथा पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। इस महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक में कुषाण थे। तो प्रश्न यही बनता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सोने के सिक्के जारी करने वाले सबसे पहले शासक कौन से थे। वे कुषाण वंश के शासक थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। अगला बिंदु बनता है कि कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। तो प्रश्न यही बनता है कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था। तो वह कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसे एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। तो बौद्ध परिषद का गठन कनिष्क ने किया था जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी जिसे बुद्ध चरित कहा गया उसकी रचनाकार थे कवि अश्वघोष तथा ये कनिष्क के दरबारी कवि थे। प्रश्न यही बनता है कि कनिष्क के दरबारी कवि कौन थे। तो वे अश्वघोष थे तथा उनकी रचना है बुद्ध चरित अर्थात बुद्ध की कहानी। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। तो इस समय कनिष्क काल में बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी परंतु अब प्रॉपर मूर्तियां बनाई जाने लगी। अर्थात पहले पीपल के वृक्ष के तौर पर उसकी निर्माण प्राप्ति आदि के मिसाल के तौर पर दर्शाया जाता था परंतु अब बुद्ध की प्रतिमाएं पूरी तरीके से बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरों में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व तो उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोग को शिक्षा देने और मदद करने के संस्कारी परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई। तो दूसरा परिवर्तन यह आया कि बोधिसत्व में जो आस्था का स्वरूप था वो परिवर्तित हो गया। अर्थात पहले यह था कि ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करना था लेकिन ऐसा करने के बजाय अब लोगों को शिक्षा देने और सांसारिक परिवेश में ही रहना लोग ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक यह फैली। तो यही प्रश्न बनता है कि महायान जो संप्रदाय आई वह कहाँ कहाँ तक फैली। तो वह चीन और बाद में कोरिया तथा जापान में जो है वह महायान संप्रदाय ही है। अगला बिंदु बनता है कि बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका म्यांमार थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला है तथा थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। तो प्रश्न यही बनता है कि थेरवाद नामक जो सबसे प्राचीन रूप लगभग माना जाता है बौद्ध धर्म का वह कहाँ प्रचलित है। तो वह दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित है अर्थात श्रीलंका म्यांमार थाईलैंड इंडोनेशिया आदि। अगला बिंदु इसमें है कि इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियान काफ़ी प्रसिद्ध था। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फासियान काफ़ी प्रसिद्ध था। वह करीब 1600 साल पहले आया था। स्वयं तशांग 1400 साल पहले आया था। तो स्वयं तशांग 1400 साल पहले भारत आया और करीब 50 साल इत्सिंग आया। करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। अगला बिंदु इसमें है कि नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। स्वयं तशांग तथा अन्य तीर्थयात्री ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों को वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। तो यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों को वो पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। तो मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते हैं। पूरे दिन ही वाद विवाद चलते रहते हैं जिसमें युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछ लेते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। तो यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछ लेते थे और उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर देते थे तथा 10 में से 7-8 उत्तर ही नहीं दे पाते थे और वो अंदर नहीं जा पाते थे। अगला बिंदु है कि वाराह के रूप में विष्णु एरण मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वाराह रूप की है। तो वाराह के रूप में जो एरण मध्य प्रदेश मूर्ति पाई गई है वह वाराह के रूप में विष्णु की मूर्ति है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वाराह रूप धारण किया था। तो पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वाराह रूप का अवतार लिया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। यहीं से साक्ष्य मिले हैं कि पृथ्वी को एक स्त्री रूप में। प्रश्न यही बनता है कि किस मूर्ति से यह साक्ष्य मिला है कि पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। तो जो एरण मध्य प्रदेश में वाराह रूपी विष्णु का मूर्ति है उसी से पता चला है कि पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। अगला बिंदु है भक्ति भज शब्द से बना है। तो भक्ति जो है भज शब्द से बना जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होती है। तो भक्ति भज शब्द से बनी है जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच में परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भागवत या भागवत के प्रति झुकाव है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु यही था कि भक्ति भज शब्द से बनी है जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होना।
अगला बिंदु है कि एक भक्त द्वारा लिखी गई यह कविता। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी गई एक कविता का यह एक अंश है। अप्पार एक वेल्लाल था। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वेल्लाल क्या कौन होते थे, तो वेल्लाल होते थे जो तमिल में बड़े भूस्वामी होते थे, उन्हें बेल्लाल कहा जाता था। करीब 1400 साल पहले शिवभक्त अप्पार द्वारा तमिल में एक लिखी गई कविता है, वह है कि नष्ट होते अंगों वाले कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जात का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाले इंसान, अगर ये लोग भी गंगा और को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए तो मैं उनकी आराधना करूंगा क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान है। तो अप्पार एक शिव भक्त था, यह इंपॉर्टेंट बिंदु है। प्रश्न यही बनता है कि अप्पार एक शिव भक्त था तथा वह बेल्लाल था, बेल्लाल अर्थात कि बड़ा भूस्वामी था तमिल में। अगला बिंदु है कि हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। तो हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस शब्द से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। तो प्रश्न यही बनता है कि इंडिया या हिंदू शब्द इनके लिए उपयोग किया जाता है, तो वे उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते हैं। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता है। अगला बिंदु है कि अन्यत्र में करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। तो करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद रखता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेशों की बात लिखी है। तो प्रश्न यही बनता है कि ईसा मसीह के उपदेशों की बात किसमें लिखी है, तो बाइबल में लिखी है। तथा इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु यही था कि ईसाई धर्म का उदय पश्चिमी एशिया में हुआ तथा ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। केवल केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। प्रश्न यह बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर बार पेपर में लगभग आ ही जाता है कि सीरियाई ईसाई किसे कहते हैं। तो केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहते हैं क्योंकि ये पश्चिम एशिया वाले थे जो विश्व के सबसे पुरानी ईसाइयों में से एक है। तो केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुरानी ईसाइयों में से एक थे। चलिए इस चैप्टर में इतना ही, अब इसका क्विक रिविजन देखते हैं। तो क्विक रिविजन में पहला बिंदु है कि काली मिर्च रोमन में काला सोना कहते थे। काली मिर्च को रोमन में काला सोना कहते थे। यह दक्षिण भारत से सोना मसाले व काली मिर्च खरीदते थे। तो रोम के लोग दक्षिण भारत से काली मिर्च तथा सोने आदि खरीदते थे तथा व्यापार का प्रमाण संगम कविताओं से भी मिला है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि व्यापार का प्रमाण संगम कविताओं से भी मिला है। अगला बिंदु है कि संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। संगम कविताओं में मुवेंदार की भी चर्चा मिलती है। तो मुवेंदार तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता था तीन मुखिया अर्थात चोल चेर व पांड जो 2300 साल पहले दक्षिण भारत में थे। तीनों मुखियाओं के दो दो सत्ता केंद्र थे। तीनों मुखियाओं के चोल चेर व पांड के दो दो सत्ता केंद्र थे। एक तटीय था तथा एक आंतरिक भाग में था तथा इन छह केंद्रों में दो बहुत इंपॉर्टेंट थे। चोल का जो था वह पुहार या कावेरी पत्नम था केंद्र महत्वपूर्ण तथा पांड की राजधानी मदुरै महत्वपूर्ण केंद्र थी। तो यह बिंदु बनता है कि चोल का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था, तो वह पुहार या कावेरी पत्नम थी तथा पांड का महत्वपूर्ण केंद्र उसकी राजधानी मदुरै थी। करीब 200 साल पहले अगला बिंदु है करीब 200 साल बाद पश्चिम भारत में सातवाहन वंश का प्रभाव बढ़ा। इसका प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था। तो यही इंपॉर्टेंट बिंदु है। सातवाहन वंश का प्रमुख राजा कौन था, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी था तथा इसकी जानकारी, यह इंपॉर्टेंट बिंदु है जो पेपर में आ ही जाती है कि इसकी जानकारी इसकी माता गौतमी बलश्री के अभिलेख से पता चलता है। तो इसके बारे में जानकारी गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी इसकी माता गौतमी बलश्री के अभिलेख से पता चलता है। तथा सातवाहन वंश के अगला इंपॉर्टेंट बिंदु है कि दक्षिणापथ के स्वामी सातवाहन वंश अपने आप को दक्षिणापथ के स्वामी कहते थे। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है जो अगली बार भी पेपर आया था कि कौन सा राजवंश अपने आप को दक्षिणापथ का स्वामी कहता था, तो वह सातवाहन वंश था। अगला बिंदु है कि दक्षिणापथ किसे कहते हैं, तो दक्षिणापथ दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते को दक्षिणापथ कहते हैं। अगला बिंदु है रेशम। रेशम चीन में 7000 वर्ष पूर्व खोजा गया था। तो रेशम जो है चीन में 7000 वर्ष पूर्व खोजा गया। चीनी लोग ऊंट पैदल को ले सिल्क लेकर व्यापार करने जाते थे। चीनी लोग या तो ऊंट या पैदल से सिल्क लेकर व्यापार करने जाते थे, इसलिए इसे सिल्क रूट नाम से फेमस हो गया। रोम में रेशम के कपड़ों का फैशन हो गया। कुछ समय बाद रोम में रेशम के कपड़ों का फैशन हो गया। कीमतें इसकी ज़्यादा इसलिए होती थी क्योंकि इसे लाने में पहाड़ आदि को पार करना पड़ता था और शुल्क रास्ते में देने पड़ते थे। अगला बिंदु है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण कुषाणों का था। तो कुषाण प्रश्न यही बनता है कि किस राजवंश का नियंत्रण सिल्क रूट पर था, तो कुषाण राजवंश का नियंत्रण था सिल्क रूट पर। अगला बिंदु है कि कुषाण पेशावर व मथुरा इनके प्रमुख केंद्र थे। तो कुषाणों के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे पेशावर व मथुरा। अगला बिंदु है कि सबसे पहले सोने के सिक्का जारी किया था कुषाण राजवंश ने। यह भी इंपॉर्टेंट बिंदु है जो पेपर में आता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के कौन जारी किया था, तो वह कुषाण राजवंश के लोग थे। बौद्ध धर्म का प्रचार कुषाण शासक कनिष्क ने किया था तथा बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी जो इसका दरबारी कवि था। तो बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी जो कनिष्क का दरबारी कवि था। अगला बिंदु है कि दक्षिण पूर्व एशिया श्रीलंका म्यांमार थाईलैंड इंडोनेशिया आदि में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ है जो बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है जो पिछली बार पेपर में आया था कि दक्षिण पूर्व एशिया में जो कि कुछ देश हैं श्रीलंका म्यांमार थाईलैंड कंबोडिया इंडोनेशिया आदि में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म प्रचलित था जो बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था। अगला बिंदु है कि विष्णु का वाराह रूप जो मूर्ति है, विष्णु की वाराह रूप की मूर्ति एरण यम्पी में मिली है तथा यहीं पृथ्वी को स्त्री रूप में दर्शाया गया है। तो यह प्रश्न बनता है कि कौन सी मूर्ति में पृथ्वी को स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, तो विष्णु की वाराह रूप की मूर्ति है जो कि एरण यम्पी में पाई गई उसमें पृथ्वी को स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। अगला बिंदु है कि शिव स्तुति जो है तमिल शिव भक्त अप्पार ने तमिल में रचना की थी तथा यह शिव भक्ति का एक बड़ा भूस्वामी अर्थात वेल्लाला था। तो
प्रश्न यही बनता है कि अपार शिव भक्त था तथा वह बड़ा भूस्वामी था तमिल राज्य का। अगला बिंदु है कि भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सा करना। अगला लास्ट बिंदु है कि ईसाई धर्म, ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था तथा इन्होंने स्वयं को संसार का उद्धारक कहा। तो प्रश्न यही बनता है कि किसने स्वयं को संसार का उद्धारक कहा, तो वह ईसा मसीह ने कहा था तथा इनका जन्म बेथलेहम में हुआ था तथा तो केरल के ईसाइयों को सीरिया ईसाई इसलिए कहते थे क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुरानी ईसाइयों में से एक थे। चलिए अब अगले चैप्टर को पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। तो इसमें प्रथम बिंदु बनता है कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कभी मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई। तो समुद्रगुप्त के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है उसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कभी मंत्री रहे हरिसेन ने की थी जो कि काव्य रूप में की थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख था जिसे प्रशस्ति कहते थे। तो प्रश्न यही बनता है कि प्रशस्ति किसे कहते हैं, तो प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। अगला बिंदु है कि समुद्रगुप्त के जो प्रशस्ति में उनकी उल्लेख किया गया है उसका एक अंश है कि जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीली तीरों तथा अन्य सैकड़े हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता था। तो पिछली बार ही यह प्रश्न बन चुका है कि किस राजा के बारे में यह कहा गया है कि उनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों आदि से लगे घावों के कारण बड़ा अत्यंत सुंदर ही दिखाई देता है, तो वह समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है। अगला बिंदु है कि आर्यावत के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य मिला दिया। तो आर्यावत के 9 शासकों ने 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था तथा दक्षिणापत के 12 शासकों को उन्होंने हराया था। तो प्रश्न यही बनता है कि समुद्रगुप्त ने किसने कितने शासकों को हराया था, तो उसने 21 शासकों को टोटल हराया था तथा उसमें उत्तर भारत के 9 शासक थे तथा दक्षिण भारत के 12 शासक आते थे। अगला बिंदु है कि बीड़ा बजाने वाले राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों का सिक्का पर दिखाया गया है। तो बीड़ा बजाने वाले राजा जो थे समुद्रगुप्त थे। तो प्रश्न यही बनता है कि कौन से राजा को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है सिक्कों पर, तो वह समुद्रगुप्त थे। अगला बिंदु इसमें है कि 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। तो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक रूप में इस संवत की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। प्रश्न यही बनता है कि विक्रम संवत किससे संबंधित है, वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है तथा यह 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। अगला बिंदु इसी में था कि समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी लक्ष्मीगढ़ की थी और उनके पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। तो चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी थी जो थी लक्ष्मीगढ़ की थी तथा उनके पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के थे जिन्हें महाराजा धीराज की उपाधि बड़ी उपाधि मिली थी तथा समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। परंतु प्रश्न यही बनता है कि किस गुप्त वंश के शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो वह चंद्रगुप्त ने की थी तथा उसके बाद समुद्रगुप्त ने भी यह धारण की थी तथा समुद्रगुप्त की माँ का नाम कुमार देवी था जो लक्ष्मीगढ़ की रानी थी तथा उनके पिता चंद्रगुप्त थे जो गुप्त वंश के पहले शासक थे। अगला बिंदु है कि ऐसा ही एक राजा हर्षवर्धन भी था। तो एक राजा और हर्षवर्धन था जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि ने बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने का तक का वर्णन लिखा है। तो एक राजा हर्षवर्धन था जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि थे जो बाणभट्ट तथा उनकी रचना थी हर्षचरित जो हर्षवर्धन की जीवनी थी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री स्वयं तसांग जिनके बारे में तुमने अभी पढ़ा था कुछ समय पहले काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहते थे। चीनी यात्री हैं स्वांग जो था वो काफ़ी समय तक हर्ष के दरबार में रहा था। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की थी तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। तो प्रश्न यही बनता है कि अगला बिंदु है कि इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। तो इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु है कि पल्लवों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। तो चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी जो एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था तथा धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं को अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों का निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। तो पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। उनके बारे में हमें उनकी दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति में पता चलता है। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें कहाँ पता चलता है, तो उनके पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि जो थी रविकीर्ति उनके द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वज खासतौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज मिला था। तो पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि नर्मदा नदी पर हर्ष को उन्होंने रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने, तो वह रवि कीर्ति ने भी उसका उल्लेख किया। हर्ष का अर्थ आनंद होता है।
कभी का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, तो कभी का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, तो प्रश्न नहीं बनता है यह किसने कहा था कि हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, तो पुलकेशियन द्वितीय के कवि रविकीर्ति ने कहा था। पुलकेशियन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी, पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी, लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए, पल्लवों और चालुक्यों के अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। अगला बिंदु है कि इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद अनुवांशिक हो गए थे, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कभी हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी था। तो प्रश्न यही बनता है कि कभी हरिसेन कभी होने के साथ और क्या था, तो वह महादंड नायक भी था अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी। कभी कभी एक ही वक्त कई पदों पर कार्य करता था, कभी कभी एक व्यक्ति कई पदों पर कार्य करते थे, जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्राहक अर्थात युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री था। तो प्रश्न यही बनता है कि हरिश्चंद्र क्या क्या था। तो हरिश्चंद्र एक पहली बात तो कवि था, दूसरा महादंड नायक था अर्थात कि न्याय का सबसे मुख्य न्याय अधिकारी था, तथा कुमारा मात्य था अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री था, तथा एक संधि विग्राहक अर्थात युद्ध और शांति के विषय को भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार, तथा कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे होते थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु यही था कि सार्थवाह किसे कहते हैं, तो सार्थवाह व्यापारी के नेता को कहते हैं, तथा प्रथम कुलीक किसे कहते हैं, वह मुख्य शिल्पकार को कहते हैं, तथा कायस्थ किसे कहते हैं, तो वह लिपिक के प्रधान को कहते हैं। उस समय अगला बिंदु है कि उस समय अधिकांश राजा और ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे तथा महिलाएं प्राकृतिक बोलती थी। तो उस समय अधिकांश राजा और ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे तथा महिलाएं प्राकृतिक बोलती थी। इसमें अगला बिंदु बनता है कि ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को सभा कहते थे। तो प्रश्न यही बनता है कि सभा किसे कहते थे, तो ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम सड़क निर्माण स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। तो सभा किसे कहते थे, तो ब्राह्मण भूस्वामी के संगठन को सभा कहते थे, तथा ये सभाएं समितियों के जरिए सिंचाई खेतीबाड़ी आदि से जुड़े विभिन्न कामों को देखरेख करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई। तो प्रश्न यही बनता है जो पिछली बार पेपर में आ चुकी है कि उर किसे कहते थे। तो जहाँ भूस्वामियों ब्राह्मण नहीं होते थे उनमें जो ग्राम सभाएं होती थी उन्हें उर नाम से जाना जाता था। अगला बिंदु है कि नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम है। तो व्यापारियों के संगठन को नगरम कहा जाता था, तथा ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को सभा कहा जाता था, तथा वहाँ की सभाएं जहाँ उन ग्राम सभाओं की सभाएं जहाँ ब्राह्मण नहीं होते थे वहाँ उर नाम से जाना जाता था उन्हें। इसमें अगला बिंदु बनता है कि चीनी तीर्थयात्री फासियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया था जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोगों अछूत मानते थे। अछूत लोगों के बारे में फासियान ने बताया कि इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी का एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार का संपर्क होने से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया। इसमें कहा गया कि बाणभट्ट ने बताया कि राजा बड़ी मात्रा में साजो सम्मान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, खाने पीने का सामान आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाया करती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े बिगुल की तरह तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सम्मान सत्कार करना पड़ता था। वे दही गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को भी चारा देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर यह सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारी के काफिले में जुटे बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। अगला चलिए आज के चैप्टर में इतना ही, अब इसका क्विक रिवीजन देखते हैं। तो इसमें प्रथम बिंदु बनता है कि समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुद एक अभिलेख से पता चलता है जिसे एक विशेष प्रकार का अभिलेख था जो प्रशस्ति था। प्रशस्ति का हिंदी भाषा में अर्थ था प्रशंसा करना या प्रयाग प्रशस्ति है। इसे हरिसेन ने लिखा था तथा इसकी भाषा संस्कृत थी। तो प्रयाग प्रशस्ति जो जिसमें समुद्रगुप्त का वर्णन मिला है उसे इसके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था तथा इसकी भाषा संस्कृत थी तथा यह काव्य रूप में लिखा गया था। तथा समुद्रगुप्त के बारे में यह कहा गया है कि इनके शरीर युद्ध के घावों के दाग से अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। तो प्रश्न यह बन चुका है कि कौन से शासक के बारे में यह कहा गया है कि उसके शरीर युद्ध के घावों के दाग से अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे, तो वह समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है। इसमें इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को योद्धा और उत्कृष्ट कवि कहा गया है तथा उसके बीड़े बजाते हुए सिक्के भी मिले हैं। इसने 9 आर्यवत व 12 दक्षिणापथ के राजाओं को हराया था, अर्थात इसने 9 उत्तर भारत के तथा 12 दक्षिण भारत के राजाओं को हराया था। समुद्रगुप्त की मां का नाम कुमार देवी था जो लिच्छवी वंश की थी तथा पिता चंद्रगुप्त प्रथम थे तथा इनकी उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि महाराजा धीराज थी। समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ जो कि सकारी विजेता था। इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने व्याघ्र शैली के चांदी सिक्के चलाए। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो कि सकारी विजेता था अर्थात सको को हराया था उसने, तथा इस विजय के उपलक्ष्य में उसने व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए तथा इसके दरबारी कवि में 9 रत्न रहते थे।
अगला बिंदु है कि हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था जिसने हर्षचलित लिखी थी संस्कृत भाषा में। तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था जिसने हर्षचलित लिखी थी संस्कृत भाषा में। इनके काल में हेन त्वसांग आए थे, तो हर्षवर्धन काल में ही हेन त्वसांग आए थे तथा हर्षवर्धन ने कन्नौज जीता और मगध और बंगाल भी जीता, पर चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से 618 ईडी में हार गया। तो हर्षवर्धन चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से 618 ईडी में हार गया। तथा अगला बिंदु है पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। इसमें अगला बिंदु यह भी इंपॉर्टेंट है कि पल्लव का क्षेत्र कावेरी नदी के डेल्टा से कांचीपुरम तक था। तो पल्लव का क्षेत्र कावेरी नदी से डेल्टा से कांचीपुरम तक था तथा चालुक्यों का राजा कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में था तथा इनकी राजधानी ऐहोल थी। ऐहोल प्रमुख व्यापारी और धार्मिक केंद्र भी था। अगला बिंदु है कि ऐहोल प्रशस्ति किसने लिखी थी। तो ऐहोल प्रशस्ति जैन भिक्षु रवि कीर्ति ने लिखी थी जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे तथा इसमें पुलकेशिन द्वितीय के चार पीढ़ी के बारे में बताया गया है। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का जैसे कि मैंने बताया वह दरबारी कवि था। तो इसमें अगला पॉइंट है कि नगर श्रेष्ठी किसे कहते थे। तो नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर या शहर के व्यापारी कहते थे तथा सार्थवाह किसे कहते थे। तो सार्थवाह उन व्यापारियों के नेता को कहते थे। तथा अगला बिंदु है कि प्रथम कुलीक किसे कहते थे। तो मुख्य शिल्पकार को प्रथम कुलीक के नाम से जाना जाता था तथा लिपिकों के प्रधान को कायस्थ कहा जाता था। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है जो अक्सर मिलान करने में आ ही जाता है कि नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर या शहर के व्यापारी कहते थे, सार्थवाह व्यापारियों के नेता को कहते थे तथा मुख्य शिल्पकार को प्रथम कुलीक कहा जाता था और लिपिकों के प्रधान को कायस्थ कहा जाता था। अगला बिंदु इसमें है कि उस समय अधिकांश राजा और ब्राह्मण संस्कृत भाषा बोलते थे तथा महिलाएं प्राकृत भाषा बोलती थी। तो उस समय अधिकांश राजा और ब्राह्मण संस्कृत भाषा बोलते थे तथा महिलाएं प्राकृत भाषा बोलती थी। चलिए आज के सेशन में यहीं तक, कल हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अर्थात चैप्टर नंबर 11 को पढ़ेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।